नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। पेश है अब तक की 10 बड़ी हेडलाइन। 318 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 384,000 प्रवासी यूपी लौटे। आज से दिल्ली से भी चलेगी रेल। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि सबसे ज्यादा 49 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें गोरखपुर आई हैं, जिसमें करीब 52,000 श्रमिक घर लौटे। घोषणाओं पर कांग्रेस का आरोप, खोदा पहाड़ निकला जुमला। पीएम मोदी बोले, किसानों को मिलेगा लाभ। कांग्रेस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आर्थिक पैकेज से जुड़ी दूसरे दिन की घोषणाओं को लेकर आरोप लगाया कि कोई राहत नहीं दी गई। महिला ने रास्ते में दिया बच्चे को जन्म। मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार को भेजा नोटिस। मानवाधिकार आयोग ने कहा कि राज्य के अधिकारियों की लापरवाही के कारण महिला के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। महिला के जीवन और उसके सम्मान के अधिकारों का घोर उल्लंघन किया गया। प्रवासी मजदूरों और विदेश से लौटने वालों की होगी पूल टेस्टिंग, दिशा निर्देश जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को प्रवासी मजदूरों, विदेश से लौटने वाले भारतीय नागरिकों और ग्रीन जोन में आरटीपीसीआर आधारित पूल टेस्टिंग के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मंत्रालय ने कहा कि यही तकनीक ग्रीन जोन में निगरानी रखने के लिए भी इस्तेमाल की जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समेत 9 लोग विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुने गए। इसी के साथ सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर छाया संवैधानिक संकट भी टला। लॉकडाउन से 21 राज्यों को अप्रैल में 97,100 करोड़ का नुकसान। गुजरात राज्य को सबसे ज्यादा घाटा। लॉकडाउन से वे राज्य सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी कुल राजस्व में अपने स्रोतों से कमाई की हिस्सेदारी ज्यादा है। हालांकि आप राज्यों की भी समस्याएं ज्यादा हैं, क्योंकि उन्हें भी कोविड-19 महामारी के साथ इससे जुड़े खर्चों से भी जूझना पड़ रहा है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ बैठक में उठाई आतंक के खिलाफ आवाज। कहा, सामूहिक कार्रवाई जरूरी। जयशंकर ने ये टिप्पणी वीडियो कॉन्फ्रेंस से एससीओ के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में की। रफ्तार का कहर फिर भी थम नहीं रहा, प्रवासियों का पैदल घर लौटना। श्रमिक ट्रेन चलने के बावजूद नहीं जा पा रहे घर, जेब में पैसा नहीं इसलिए पैदल जाने को मजबूर। कोरोना वायरस के बाद दुनिया को एक बार फिर से हैरान करने वाला है चीन। अब चीन ने घोषणा की है कि वो मात्र 10 दिनों में अपने वुहान शहर की आबादी को कोरोना टेस्ट करेगा, जिससे संक्रमितों का पता चल सके। कैलिफोर्निया में 6 हफ्ते बाद खोले गए समुद्र तट। न्यूयॉर्क में भी कारोबार बहाल करने की तैयारी। न्यूयॉर्क में कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा जूझ रहे अमेरिका में जनजीवन को सामान करने के प्रयास में पाबंदियों पर अब ढील देने की कवायद शुरू हो गई है। आप देख रहे थे द दस्तक 24 में अभी तक की 10 बड़ी हेडलाइन सबा खान के साथ। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।